प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और सूर्य हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। ज्योतिष में हमारे लाइफ का जो सेंट्रल पॉइंट है वो सूर्य है। तो सूर्य का जरा भी मूवमेंट अगर जीवन में होगा तो ये आपको गहराई से प्रभावित करेगा। ये मामला क्या है, सूर्य देव अभी तक कर्क राशि में विद्यमान हैं, अब 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर सूर्य बुध के साथ हो जाएंगे और उनके ऊपर वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। अब सूर्य और शनि दोनों ही, सूर्य तो खैर क्रूर ग्रह हैं, शनि पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह वक्री होगा उसका प्रभाव ज्यादा निगेटिव होता है, तो सूर्य पर इस शनि की दृष्टि का प्रभाव ज्यादा नकारात्मक होगा। इससे यातायात दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। बस ट्रेन एयरवेज इसमें दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। सूर्य सत्ता और राजनीति का स्वामी है, इसलिए राजनीतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं। दुनिया भर में दोबारा से एक महीने के लिए युद्ध और तनाव जैसी स्थिति पुनः बन जाएगी। बीच में कुछ शांति हो गई थी लेकिन अब क्या है, 17 अगस्त से लेके लगभग 15-16 सितंबर का जो समय है, इस समय में दुनिया में बेवजह के झगड़े, झंझट, राजनीतिक परिवर्तन, विवाद, ये सब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने शुरू होंगे। इसीलिए ये समय थोड़ा सेंसिटिव होगा और एक आम आदमी के लिए हम इस समय को बहुत बेहतर नहीं कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य केवल भारत में असर डालेगा, पाकिस्तान में नहीं डालेगा, चाइना में नहीं डालेगा। सूर्य पूरी दुनिया के लिए एक ही है, इसलिए सूर्य का ये परिवर्तन देश और दुनिया पर प्रभाव डालेगा। सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश वैसे बुरा नहीं होता लेकिन वक्री शनि की दृष्टि की वजह से ये देश में, प्रदेश में आपदाएं बढ़ा सकता है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। लोगों के बीच में बेवजह के विवाद होंगे और लोगों के वैमनस्य में, झगड़ों में, ईर्ष्या में वृद्धि होगी। महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और महंगाई से लोगों को परेशानी होगी। इस समय राजनीतिक विवाद काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, खासतौर से भारत में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश, जो केंद्रीय भारत है, एमपी और जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र का इलाका है, इन दोनों जगहों पर राजनीतिक रूप से झंझट ज्यादा हो सकते हैं। भारत में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, मुख्यमंत्री हट करके कोई नए मुख्यमंत्री आ जाएं या कोई नया बड़ा पद परिवर्तन हो, ऐसा हो सकता है। इस समय न्यायालय के द्वारा कोई बड़ा निर्णय भी आ सकता है, कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे सकती है इस समय जिसका प्रभाव आम जनता पर और आम जनता के जीवन पर पड़ सकता है। देखिए सूर्य देव जब कर्क में जा रहते हैं, कर्क संक्रांति होती है, लगभग वो समय श्रावण महीने का होता है, सावन का महीना होता है। अब उसमें बीच में आ गया अधिक मास, अधिक मास में तो वैसे भी शुभ और मंगल कार्य नहीं करते। अधिक मास खत्म हो रहा है 16 अगस्त को और 17 अगस्त से फिर प्लेन सावन, शुद्ध सावन शुरू हो जाएगा अगले 15 दिन के लिए। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन चार महीनों में विवाह शादी, गृह निर्माण,
कोई नया और मंगल कार्य ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत सारे लोगों की शादियां इस समय तय हो जाएंगी, लेकिन शादी होगी नहीं। अभी शादी करने का जो उपयुक्त समय होगा वो होगा 23 नवंबर के बाद या 23 नवंबर को। 23 नवंबर से जब श्री हरि अपनी योग निद्रा से उठ जाएंगे उसके बाद आप शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।